the nutrition we have already discussed about that in previous video. Now what is the topic of the day? Topic is the cooking right. Cooking right, जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, यानी जो खाना हम कुक कर रहे हैं वो सही कुक कर रहे हैं, या कुक करने का सही वे क्या है. सेकेंड टॉपिक इज द लेस और मोर फूड, खाने की कमी और अधिकता से क्या हो. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट कुकिंग राइट. कुकिंग राइट, नॉट जस्ट ईटिंग द करेक्ट फूड बट करेक्टली प्रिपेयर्ड फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. यही नहीं बेटा कि खाना हम सही खा रहे हैं तो यही हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि मतलब कुक प्रिपेयर, मतलब कि जो करेक्टली प्रिपेयर खाना भी ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस नहीं करने चाहिए. कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट. कुकिंग हमारे फूड को इम्प्रूव करता है और खाने को ईजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अगर हम रॉ मेटेरियल कुछ भी कच्चा खाएंगे, कोई भी वेजिटेबल्स होगी अगर हम कच्चा खाएंगे तो हम क्या अच्छी लगेगी, नहीं. उसको हम पका के ही उसमें टेस्ट आता है और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है. बट वॉशिंग, पीलिंग एंड ओवर कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन्स एंड मिनरल्स. पर बेटा छीलने से, धुलने से, पीलिंग करने से और ज़्यादा पकाने से उनके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. और सम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हम खाना किस लिए खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए. वो ही न्यूट्रिएंट्स अगर उसमें से लॉस हो जाए तो फिर उस खाने का क्या फायदा. वही आज हम आपको बताएंगे कि कुकिंग राइट की बेटा हम जो बना रहे हैं, जो हम खा रहे हैं कि वो सही वे में खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं. ओके, तो हमें कौन सी टेक्निक्स अपनानी चाहिए. डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग टाइम. हमें सब्जियाँ काटने के बाद धुलनी नहीं चाहिए. अवॉइड पीलिंग टाइम एज फार एज पॉसिबल. उनको छीलना कम से कम, ये तो यानी कि अवॉइड करना चाहिए. आफ्टर वॉशिंग पल्सेस एंड राइस इफ यू शॉक देम डू नॉट थ्रो अवे द वाटर. अगर हम दाल या राइस भिगो के रख रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम के, थोड़े भी टाइम के, तो उसका जो पानी होता है बेटा उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको थ्रो नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पानी को हम यूज़ कर लेना चाहिए अपनी कुकिंग में. अवॉइड ओवर कुकिंग और कुकिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड देन नेसेसरी. ओवर कुकिंग मतलब ज़्यादा खाना बनाना, मतलब कि ओवर अगर खाना ज़्यादा ही पक जाता है ना तो वो भी एक हार्मफुल होता है. यूज प्रेशर कुकर, हमें प्रेशर कुकर ही यूज़ करना चाहिए, या मतलब कोई भी कुक भी बना रहे हैं तो उनको ढक के बनाना चाहिए. डू नॉट कीप फ्रूट एंड वेजिटेबल अनयूज्ड आफ्टर कटिंग. सब्जियां और फल काटने के बाद नहीं रखना चाहिए. ओके, अवॉइड डीप फ्राइंग. फ्राइंग करने की जो टेक्निक होती है ना, डीप फ्राइंग अवॉइड करना चाहिए कम से कम. ओके, अब नाउ हमें क्या पढ़ा, कुकिंग राइट, हमें क्या सब्जियाँ जो काटनी चाहिए, ठीक है, पर काटने से पहले ही लेना चाहिए, काटने के बाद नहीं भूलना चाहिए. ओके, हमें क्या करना चाहिए, ओवर कुकर प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए खाना बनाने के लिए, या बंद सब हो उसमें भी ढक्कन बंद हो उसका. और क्या बेटा, अवॉइड ओवर हीटिंग, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए खाने को. और अवॉइड डीप फ्राई मतलब खाने को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना चाहिए. ऑयल ये चीज जिससे हमारे बॉडी में ऑयल का इंटेक कम से कम हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेस और मोर फूड. अगर हम कम खाना खाएंगे तो भी हमें बीमारी लग जाएंगे और ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी बीमारी लग जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस भी और डेफिशिएंसी भी, यही दोनों ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. देखो, बोथ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फूड इंटेक कुड बी हार्मफुल. दोनों ही ओवर ईटिंग भी और लैक ऑफ फूड भी इंटेक हमारी बॉडी के लिए वो दोनों ही हार्मफुल है. व्हेन वी डू नॉट ईट अवर बॉडी डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स. अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिशन कम जाएंगे, यही होगा वी फील वीक एंड वी आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. हम कमजोरी फील करेंगे और कोई भी काम करने के लिए हम प्रॉपर मतलब कि हम एबल नहीं होंगे, कोई भी काम नहीं कर सकते. इफ वी कंटिन्यू टू नॉट ईट फूड अवर बॉडी स्टार्ट शोइंग द साइन ऑफ इलनेस. अगर हम कम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी स्टार्ट कर देगी क्या चीज़, ऐसे सिग्नल कि हम बीमार हैं. दिस स्टेट ऑफ बॉडी वैन वी डू नॉट इनफ न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ लेस फूड इनटेक और ओवर ईटिंग द रॉन्ग फूड इज कॉल्ड द मॉल न्यूट्रिशन. मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण. अगर हम खाना खा रहे हैं और उसमें से कम न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, या हम खाना ही कम खा रहे हैं, या हम गलत खाना खा रहे हैं, तो उससे हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं. मॉल न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मॉल न्यूट्रिशन. कुपोषण, व्हाट इज दैट, कुपोषण.
जी ने आपको बताया था विटामिन ए बी सी, अगर एनीमिया खून की कमी होगी तो हमें एनीमिया हो सकता है, विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी हो सकता है, विटामिन डी की कमी होगी तो क्या हो सकता है, रिकेट हो सकता है। दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। ये डिजीज कब होगी, जब इन न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी के अंदर कमी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट बैलेंस डाइट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिशन एक सही पोजीशन में होते हैं, मतलब कि सही क्वांटिटी में होते हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा लिए जाते हैं, तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेना जरूरी होता है। अगर हम इन्हें ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे उसमें हमें क्या हो सकता है, इनटेक ऑफ इंटीग्रेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन और लैक्टेट इट इन द डाइट मे स्लो डाउन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम प्रोटीन की मात्रा कम लेंगे या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी के बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ रुक जाएगी, दे मे ऑल्सो गेट इजीली टायर्ड, वो जल्दी थक जाएगा। चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ फेस। अगर बहुत लंबे टाइम तक प्रोटीन की मात्रा है कम मात्रा में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर्स का, हेयर के जो कलर होता है वो चेंज होना चाहिए, स्किन डिजीज हो जाएगी और डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड एक्सेस ऑफ प्रोटीन टेक ओवर ए लॉन्ग पीरियड में डेफिसिटिंग किडनी। अगर हम एक्सेस मात्रा में मतलब ज़्यादा ही प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो हमें क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। थर्ड पॉइंट ए लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट लीड टू लीथार्जी इनएक्टिविटी और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमें क्या होगा, सुस्ती होगी और वाइट फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, हम थकान महसूस करेंगे। एक्सेस लेंगे तो हमें क्या होगा, मोटे हो जाएंगे और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ फैट कॉज द रफ स्किन। अगर हम फैट्स का हमारे अंदर कमी आएगी तो स्किन वीक हो जाएगी, आई साइड वीक हो जाएगी, बॉडी थिन हो जाएगी और एक्सेस लेंगे तो लीवर और पैनक्रियास एक्टिव नहीं रहेगा। इफ द डाइट डेफिशिएंटिंग बोथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ में स्टॉक कंप्लीटली सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन। अगर ज्यादा दिनों तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही हम कम ले रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक बच्चा बीमार हो जाएगा, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, ओके, वो घूमने फिरने लायक भी नहीं बचेगा। ओवरवेट एंड ऑब्सिटी आर द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ एक्सेस ऑफ इनटेक। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि एक्सेस मात्रा हमारे क्या करें, ओवरवेट, हमारा वेट बहुत बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जो भी बहुत ज्यादा फैटी फूड्स खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं तो वो किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं, ओवरवेट के। हमें क्या करना चाहिए, एन एवरेज पर्सन शुड ड्रिंक 2 या 3 लीटर्स अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। एक दिन में हमें 8 से 10 ग्लास वाटर लेना चाहिए क्योंकि अब डूइंग रेगुलर फिजिकल वर्क फुल लिख इन द हॉट क्लाइमेट नीड मोर वाटर। जो हॉट क्लाइमेट रहते हैं और मतलब कि गर्म जलवायु में रहते हैं और अपना फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनको भी पानी की ज़्यादा चाहिए। अगर वो कम पानी पिएंगे तो उनका हेडेक हो जाएगा, पोअर मेंटल रखने से उनकी किडनी स्टोन भी हो सकते हैं। वाटर ऑल्सो हेल्प द कीपिंग द स्किन हेल्दी। पानी जो है हमारी स्किन को भी हेल्दी बनाता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वाटर का इंटेक होना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट